यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग। क्या चंदन हुआ, क्या कर रहे? बोले पूरा ढलाई कर दिया है संतोष। कहाँ लैटिन टंकी? नमस्कार, स्वागत है आज के ब्लॉग में। चलिए आज हम लोग चलते हैं। यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ब्रावो प्लांट है रुकनी शाखा के बीच का, और इस प्लांट के पास एक एटीएम भी है एक्सिस बैंक का। इस एक्सिस बैंक के एटीएम से सुविधा अनुसार अपनी फ़ायदे भी ले सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, ज़रूरत की कामें हो जाती हैं। और ये मेन गेट है जो ब्रावो प्लांट है, ब्रावो प्लांट की ये मेन गेट है। आयरन एंड स्पंज कंपनी जो बहुत बार ब्लॉग में हम दिखाए भी हैं आपको, रुकनी के साथ देखते हैं। तो चलिए, कंपनी में तो नहीं घुस सकते, ये प्लांट के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, प्लांट के अंदर की चीज़ें तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, रेलवे में जो काम हो रही है उसके बारे में आपको दिखाएंगे, रेलवे के सिग्नलिंग की जानकारी दिलाएंगे, रेलवे से रिलेटेड जो रेलवे की लाइफ है, हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, हर रोज़ का जो मज़ा है, हर रोज़ जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उससे रूबरू कराते रहेंगे। अच्छा लगता है सबसे मिलना, सबसे बात करना, हर रोज़ कुछ नया नया काम करना और अपनी एक ज़िंदगी जीना। आज का प्लान, मैं घर से निकला हूँ, अभी ब्रावो प्लांट के पास हूँ। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक साका के पहले गेट है AM7, वहाँ पे जाएंगे, मेंटेनेंस फ्री अर्थ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग। क्या चंदन हुआ, क्या कर रहे? बोले पूरा ढलाई कर दिया है संतोष। कहाँ लैटिन टंकी? ना लैटिन टंकी में ढलाई मत करना, भर दो, बढ़िया है। यहाँ पे जगह है, ये ठीक है। दोनों चेला तो पुराना है, मटेरियल दिया हो रहा है मेंटेनेंस फ्री अर्थ का मटेरियल लो हम 100 mm 138 liter। सबको सही से डलवाना है संतोष, तुम तो किए हो, वो तो डाल, दिक्कत तो नहीं है। मोटा मोटी कितना पानी डालेगा? पानी पेस्ट बनाएगा इसको ना? पानी से कैसे जलता है ये, कैसे डालते? बाल्टी है ना, बाल्टी। हाँ धुलेगा। हाँ बस उसका पाइप है। हाँ का पाइप है, वो ही रखा है, एक करके उसी में डालेगा। और पाइप रोड के अंदर पाइप दे देगा। इतने दूर में मार रहेगा, जितना पाइप तो पतला लाया है लगता है। अच्छा, उसी में डालते डालते ऊपर उठाओगे, उठाते चले आओगे, ठीक है। तो कितना जाओगे, जड़ से डालोगे ना? कैसे करो बताओ ना, हमको भी सीखेगा नहीं, हम नहीं सीखेगा, खाली बताएगा कैसे करो, ऐसे करो, हमको सिखाओ थोड़ा, ठीक है। देखा, बताओ बताओ कैसे करेगा। अर्थिंग कैसे करेगा बताएगा ना, अभी हमको संतोष बताएगा ना इसमें कैसे मटेरियल डालेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो इसको पहले जमीन में ले जाओगे तब ना, ये 10 फीट। हाँ ठीक है, ऐसे घुसा देगा, मटेरियल घोलेगा, डालते चला जाएगा। हाँ ऐसे हो गया, वाटर डाल दिया, किनारे से मिट्टी दे दिया, फिर उसके ऊपर उठा लिया, फिर मिट्टी डालेगा। तो गड्ढा अभी 10 फीट गड्ढा करेगा यहाँ पे? नहीं, कितना गड्ढा करेगा? गड्ढा मोटा-मोटी 7-8 फीट। ये कितना है? ये तो 10 फीट है ना, 10 फीट है, तो 8 फीट गड्ढा करेगा। अब तो 2 फीट ऊपर रह जाएगा, 2 फीट नहीं, पूरा अंदर कर देगा। हाँ पूरा अंदर, इतना मुंडी कितना रहेगा ऊपर? इतना 6 इंची रहेगा। तो जब 8 फुट गड्ढा 10 फीट, तो ठोक के अंदर करेगा? ठोकेगा कैसे अंदर जाएगा? वो पाइप लाया है, पाइप लाया है। नहीं लोज नहीं करना है, वो थोड़ा उससे बोर टाइप का करके पाइप से डाल के इसको भीतर कर दोगे, वो DWC से मसाला मोटा मोटी लगेगा जो ना, 3 बैग है ना, 3 बैग में कितना हो, इस बाल्टी में इसमें कितना पानी अटता होगा? 10 लीटर अटता होगा भाई, एक 12 लीटर का लगता है, तो 3 बाल्टी में हो जाएगा। एक बाल्टी में घोला बनाएगा 1 बैग। नियम सर, इतना नियम है इसका, मोटा मोटी 1 मीटर
एडमिटर माल देना होगा, हम ले एडमिटर नहीं देगा, हम पूरा छाप पूरे दे दो, छाप दे, ठीक है। वो जैसा बना रहे हो ना, तीन एडमिटर, हाँ चौड़ा करके देना, नहीं कौन बोला? अच्छा साहब बोला, और बोला मिट्टी मखा के, मिट्टी मखा के नहीं, मिट्टी नहीं देना है, मिट्टी करके बोला नहीं देना है, मिट्टी मिठा मखा के नहीं देना है, वो मटेरियल ही खाली जाएगा, मटेरियल को जैसे तुम दे रहे हो देख, लेकिन वो जम जाना चाहिए, हिलना नहीं है, रॉड हिलाना मत, ठीक है, जब बीच इसको में जब बीच में रहेगा उठाने के समय रॉड हिलना नहीं है, मालूम है जितना भी काम है सब मालूम है, रेड हिलाना मत, क्या वो तीन बाल्टी माल बनाएगा, समझ गया, तीन बाल्टी डाल देगा जितना हो सकेगा, तीन बाल्टी में जितना भरेगा और उसके बाद मिट्टी डाल देगा, ठीक है, ऊपर में थोड़ा रखना 6 इंची 8 इंची, ना पूरा अंदर कर, अंदर कर दे।